UK07 राइडर को बिग बॉस ने घर से निकाल दिया है। क्या भाई का एविक्शन फेयर था या अनफेयर? क्या बिग बॉस में आगे से कोई यूट्यूबर जाएगा भी, या फिर से बिग बॉस को 50वीं बार राखी सावंत को बुलाना पड़ेगा? एक पिछला OTT सीजन था जहां एंड तक एक भी यूट्यूबर एलिमिनेट नहीं हुआ था, और ये सीजन देखो आधे यूट्यूबर्स घर आ गए, एड रेवेन्यू जा रहा था ना। देखो एक बात से तो मैं एग्री करता हूँ, यूके भाई इंसान अच्छे है, लेकिन घर में बहुत खराब खेल रहे थे, बहुत खराब, मतलब इतना खराब कि मैं क्या ही बोलूं। तो बिग बॉस ने सोचा कि वोटिंग से तो किसी यूट्यूबर को निकालना इम्पॉसिबल है, तो क्यों ना घर वालों को ही बोल दे कि आप निकाल दो। ये तो वही बात हो गई जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच में गांगुली का कैच रिकी पोंटिंग ने लिया था, और अंपायर ने रिकी पोंटिंग से पूछा क्या कैच सही से लिया है। रिकी पोंटिंग ने बोला हाँ सही से लिया, मेरे से पूछो तो सही है। घर वाले तो बोलेंगे हाँ भाई आउट करो इसको, इसके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। देखो बिग बॉस में मानता हूँ आप यूके भाई से नाराज हो कि उनके चैनल पे अगर बिग बॉस के रिलेटेड कोई व्लॉग आता है उसमें भी गाड़ियां होती है। अपनी सुपर कार डिलीवरी के पहले यूके ने किया मन्नारा को एक्सपोज, पहले सुपर कार डिलीवरी के पहले किया, बाद में नहीं, बिग बॉस के बाद हाईवे पे हो गया, किसका हो गया एक्सीडेंट भाई? तो बिग बॉस में बेसिकली इनके हर वीडियो में सुपर कार या क्रैश या एक्सीडेंट होना जरूरी है। ये सही है, मतलब लेगेसी चलती रहनी चाहिए, चाहे एक मेंबर बिग बॉस में चले आए, एक्सीडेंट होते रहने चाहिए। फिर घर से बाहर निकले बाबू भैया ने मच अवेटेड स्टोरी डाली, ये वाली बहुत सारी चीजों से गुजरा हूँ बिग बॉस के अंदर, वॉक ऑफ शेम, बेइज्जती, जिल्लत, मेरी साइड ऑफ द स्टोरी अभी आनी बाकी है, बहुत कुछ एक्सपोज करना है बिग बॉस के बारे में, सलमान भाई के बारे में, जो भी चीजें मेरे अंदर मेरे साथ बिग बॉस के अंदर हुई हैं, बहुत कुछ सह के आया हूँ, वीडियो ड्रॉप कर दूं बिग बॉस के लिए। मैं नहीं मानता, ऐसे थोड़ी एक्सपोज करोगे, अभी तो एक महीने तक वीडियोस बनेंगे, बिग बॉस एक्सपोज क्या? फाइनली बिग बॉस एक्सपोज, फाइनली सुपरकार की डिलीवरी के बाद बिग बॉस एक्सपोज, बिग बॉस को एक्सपोज करने के पहले सुपरकार की डिलीवरी लेने के पहले एक्सीडेंट हो गया, ये डालना भाई इस पे बहुत व्यूज आएंगे। फिर यूके भाई ने बाहर आकर एक इंटरव्यू में बोला कि इनसे वॉक ऑफ शेम कराया गया घर में, क्योंकि इन्होंने बिग बॉस के घर की इंसल्ट की थी, बिग बॉस की इंसल्ट की थी। ये अच्छी बात है, हम तो ऐसे ही कर सकते। चुभी बात ये कि वो चीज एपिसोड में नहीं दिखाई गई, भाई ने सोचा मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स लेके गया, वॉक ऑफ फेम करके गया, बेचारे को वॉक ऑफ शेम करके भेज दिया, गलत है यार बिग बॉस। बट ऑनेस्टली अगर ऐसा हुआ है तो बहुत सैड चीज है, बिकॉज यू नो अगर बिग बॉस कॉन्फिडेंट है ये चीज को लेके, तो बिग बॉस को ये चीज एपिसोड में दिखानी चाहिए थी, अगर नहीं दिखाई है तो यहाँ पर गलती ऑब्वियसली बिग बॉस की है। मेरे को लगता है बिग बॉस ने भी सोचा होगा ऐसे भी कोई देख नहीं रहा ये सीजन, एपिसोड छोटा करके थोड़ी एंगेजमेंट बढ़ाई जाए। बट बिग बॉस भी घूम फिर के यूट्यूबर जैसे ही है, शूट में कितना भी गाली गलौज कंट्रोवर्शियल बोल ले, एडिट में वो सब निकल जाता है। एंड जैसा मैंने बोला, लोग वेट कर रहे थे कि यूके भाई बाहर आएंगे एंड अपना बयान देंगे, अपने साइड की स्टोरी बताएंगे, एंड बताई उन्होंने। एक कम्युनिटी का मैंने एक स्टैंड लिया हमेशा, अपना स्टैंड लिया हमेशा, उस कम्युनिटी वो बोलते ना कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। सबको लग रहा था यूके भाई बाहर आके व्लॉग करेंगे, यूके भाई सिर्फ कोप कर रहे हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह रहेंगे, आपको गिराने वाले लोग बहुत जगह रहेंगे, जब आप अच्छा कर रहे होगे ना जिंदगी में तो आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत कम आएंगे, बट जब आप गिर रहे होगे ना जिंदगी में तो 10 लोग और उठ करके आएंगे आपको नीचा दिखाने के लिए कि तू। बट एक चीज तो चेंज हुई है भाई, पहले बिग बॉस के घर में थे, अब एक बबल में। नहीं लेकिन मानने पड़ेंगे भाई, फैंस तो बहुत डाई हार्ड है, मतलब इतने खतरनाक उनके एडिट्स बने, मजा आ रहा था एडिट देख के, मतलब बस क्रिएटिव नहीं है, पता नहीं हर एडिट में एक ही गाना क्यों डाल रहे थे। एक मिनट, देखो जो भी हो धोखा तो हुआ है भाई के साथ, मतलब ठीक है टाइम टू टाइम की बात है, जैसे अभी टाइम है सर्दियों का एंड धोखा दे देते हमारे बाल, एंड हम सबको पता है ओनियन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो बालों के रूट्स को स्ट्रॉन्ग करके हेयर फॉल रिड्यूस करता है, एंड रोज ओनियन जूस बना के बालों में लगाना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। मामा अर्थ आपके लिए लाया है ओनियन शैम्पू एंड कंडीशनर, जो कि बालों की रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है एंड हेयर फॉल रिड्यूस करता है अप टू 90%। मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी हेयर फॉल की, कभी सोफे पे बाल पड़े होते, कभी लैपटॉप पे बाल पड़े होते, करे क्या, नहाते टाइम बाल जा रहे, बस जा रहे बाल, आ नहीं रहे। ये बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है, बिकॉज बालों की जड़ें स्ट्रॉन्ग हो ना तो गिरने का डर ही नहीं। एंड मेरे लिए हेल्दी बाल होना पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियोस बनाता हूँ, इट्स शो बिजनेस, एंड आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एंड मामा अर्थ का ओनियन शैम्पू तो है इंडिया का नंबर वन ओनियन शैम्पू, एंड मैं पर्सनली इसके साथ कंडीशनर भी यूज करता हूँ फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। एंड आपको तो बताइए व्हेनेवर यू परचेस फ्रॉम मामा अर्थ, मामा अर्थ आपके प्रोडक्ट को लिंक करते हैं ट्री से, जो वो प्लान करते हैं टू कंप्लीट देयर मिशन ऑफ प्लांटिंग 1 मिलियन ट्रीज 2025। एंड जैसे आपको पता है मामा अर्थ अमेजोन फ्लिपकार्ट नाइका पे अवेलेबल है, लेकिन अभी आपके नियर बाय स्टोर्स में भी मिलेगा, कहीं भी स्टोर में आपका प्रोडक्ट दिखे तो मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ। एंड मेरा कोड तो है थगेश 2024, जिससे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ
जो कि वैलिड है mamaearth.in एंड उसके ऐप पे। सो प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाल बचाओ ओके अभी जाके। लोग इंटरनेट पे बोल रहे हैं कि यूके भाई ने बिग बॉस में इतनी अच्छी पारी खेली कि अभी आईफोन का क्लाउन वाला इमोजी चेंज करके यूके भाई की शक्ल रखे। थोड़ा ज्यादा हो गया। लोग बोल रहे हैं कि यूके भाई प्राइम एग्जांपल है कि अगर आपके नाम के आगे सात हो तो जरूरी नहीं कि परफॉर्मेंस अच्छी होगी। थाला नॉट फॉर अ रीजन। ये सात से तो थाला भाई भी डिसएग्री करेंगे। ऐसे बिग बॉस परफॉर्मेंस पे तो कोयल भी बाघों में नहीं बोलेगी। बट अनुराग भाई ने फाइनली वीडियो डाला अपनी साइड की स्टोरी बताते हुए। अनुराग भाई ने वीडियो में पहले ही बोल दिया कि मैं बिग बॉस के घर में अपनी डिग्निटी लेके गया था एंड आई अग्री। बट मैं शो में ना अपनी कुछ ना कुछ डिग्निटी लेकर के गया था। अग्री, डिग्निटी लेके जाना पड़ा क्या? गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था ना। जोक्स अपार्ट, मतलब बायस नहीं करना चाहिए क्या? नॉर्मल सी बात है। तुम किसी के घर में जाओगे, घर वालों को बुरा बोलोगे तो निकाल देंगे घर से। आप किसी के घर में जाओ, बोलो अरे क्या खाना बनाया, अरे क्या दे रहे हो, अरे क्या कर रहे हो, निकाल ही देंगे ना घर से बाहर। बट अनुराग भाई वीडियो में काफी इमोशनल हो गए। उन्होंने बोला कि काफी गलत हुआ उनके साथ घर में, एंड करण जौहर ने उनसे वॉक ऑफ शेम कराया था। जैसा मैंने आपको बोला, कॉफी विद करण का जैसा ये वाला सीजन चल रहा है ना, वॉक ऑफ शेम करण जौहर को करना चाहिए। उससे अच्छा तो अपना थकेश शो का सीजन था। प्लगइन तो बनता है। बट बिग बॉस वालों ने अनुराग भाई को एक बहुत डेंजर वाला झूठ बोला। उन्होंने बोला कि आपके घर वाले घर में आना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने घर वालों को बुलाया लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि घर वालों ने एक वीडियो बना के भेजी थी आपके लिए लेकिन वो करप्ट हो गई फाइल। फाइल करप्ट हो गई? रियली जियो वालों तुम्हारी फाइल करप्ट होती है? मतलब जब जियो कलर्स इतने बड़े बड़े चैनल वालों की फाइल करप्ट हो जाए तो समझ लेना आपसे वो नफरत करते हैं। ऐसे कैसे करप्ट हो गई? और भाई यूके भाई ने बहुत बार अपनी वीडियो में बोला कि उनका इविक्शन प्लान था। मतलब ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि ड्राइवर्स की प्रोटेस्ट के टाइम ही यूके भाई बाहर हुए। तो ट्राई कर रहे थे निकालने का। मैं वो उससे कंप्लीटली अग्री करता हूँ। पूरा घर ट्राई कर रहा था कि यूके भाई को निकाले बाहर। बट ये चैनल का फॉर्मेट है जोक्स करना, इसके लिए हम जोक्स करते हैं। बट आई रियली फील फॉर यूके भाई। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे देखे तो हम पूरी एक कम्युनिटी है, एंड कोई यूट्यूबर अगर जाता है तो वो कैसा भी खेले हम लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ओके, हम जोक्स बनाते हैं लेकिन एंड ऑफ द डे अगर कोई यूट्यूबर के साथ बुरा करे तो बुरा तो लगता है। अगर उनसे वॉक ऑफ शेम कराया गया, अगर उनके क्लिप्स डिलीट किए, स्पेशली अगर उनके घर वालों से बातचीत नहीं करने दी, घर वालों की क्लिप उन तक पहुंचाई नहीं, तो आदमी बीटी में आ जाता है घर के अंदर, समझा? एंड वन मोर थिंग, अगर हमें कभी आता है बिग बॉस का ऑफर तो ये हरकत है देख के हम तो अब ना जाए। एक टाइम पे हमारा मूड था लेकिन अब तो हम ना जाए, अनलेस एंड अंटिल हमको एक हफ्ते का 1 करोड़ दे दे फिर हम जाए, लेकिन उसके अलावा हम ना। बट उस चीज के लिए हम लोग स्टैंड करते हैं यूके भाई के साथ। बाकी तो क्या, अभी गाड़ी के एक्सीडेंट होंगे तो हम लोग करेंगे, देखेंगे। और क्या, चिंटू को अभिषेक भाई ने चमाट मार दिया बिग बॉस, सीधा चमाट। इसके पहले तहलका ने चमाट मारा था, उसको निकाल दिया घर से। तू मेरा ब्रदर नहीं है पहली बात तो, और नहीं है तो साइड में जा रहा। तू साइड में रह, भाई मैं तो बोल रहा हूँ ये सीजन का सेट चेंज करके ना एक एमएमए की रिंग बना दो, कम से कम टीआरपी तो आएगी। और एक तो ये चिंटू बंदा, ये एक तो नाम चिंटू, उसको आदमी सीरियसली कैसे ले? चिंटू को लग रहा था वो मेन कैरेक्टर है। चिंटू निकला पासिंग कैरेक्टर। तो अगर आप हमारी बिहार हाइस की सीरीज फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? टावर, रेलवे इंजन, रोड, रेलवे ट्रैक सब चोरी होने के बाद बिल्डर लोग ने अब निशाना साधा है तालाब पर। तो अगर आप सोच रहे हो कि तालाब में ऐसा क्या था कि चोरों ने एक बूंद तक पानी नहीं छोड़ा, गर्लफ्रेंड ने पानी मांगा तो पूरा तालाब दे देगा, उससे अच्छा वाटर पार्क लेके जाता बिचारी को। अभी एनवायरमेंटलिस्ट लोग तुमको कैंसिल करेंगे वो अलग, पुलिस तुमको कुटाई करेगी तुम्हारी वो अलग। तालाब कौन चोरी करता है? अब जो तालाब होता है, तालाब के नीचे एक जमीन होती है, तो जमीन पे कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा के रखा था कि इस पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। एंड बढ़ती प्रॉपर्टी के रेट से लोग इतने मजबूर हो गए कि लोगों ने सोचा वो जमीन पे कब्जा कर। तो चोरों ने रातों रात एक ट्रक लाई और सारे तालाब का पानी निकाल के रेत बीच डाल के सपाट कर दिया। रातों रात तालाब गायब, किसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इधर तालाब भी था। इतना ही नहीं, ये लोग ने तालाब सपाट करके उसके ऊपर रातों रात एक झोपड़ी बांध दी। साला मालूम ही नहीं पड़ना मांगता है, जो चुराया हुआ ट्रेन इंजन पटरी था वो डाल देते। मेरे हिसाब से वो जगह को ना बिहार का लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस घोषित कर दो।
इतना ही नहीं, इससे पहले कई दिनों से ये चोर लोग तालाब चोरी करने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस ने उनको पकड़ा है बहुत बार। और पुलिस क्या करती थी, उनका इक्विपमेंट लेके उनको छोड़ देती थी कि बिना इक्विपमेंट के ये लोग क्या कर लेंगे। वो कहते हैं ना, यू कैन टेक अवे अ मैन्स टूल्स बट यू कैनॉट टेक अवे अ बिहारी इनडोमिनेटेबल फाइटिंग स्पिरिट। एक बिहारी सब पे भारी। वो लोग ने हार ना मानते हुए कैसे भी करके तालाब चोरी कर ही लिया। एनीवेज, तो बढ़ते हैं हमारे इंटरनेशनल सेगमेंट में। इंटरनेशनल छपरी, इंटरनेशनल छपरी में छपरियों का छपरी देश चाइना से न्यूज है। यस, तो चाइना की एक कॉलेज हॉस्टल में चूहों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। चूहे मतलब सब कुछ खा जा रहे थे, कुछ कुतर रहे थे, कुछ लोगों को काट रहे थे। देखो, ऐसे तो हमारे भी ऑफिस में सेट पे बहुत सारे चूहे होते, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं सेट को बम से उड़ा दूं। साले को बम से उड़ा दूंगा ये। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो उनमें से एक स्टूडेंट ने बिग ब्रेन लगाया और सोचा कि चूहे से बदला लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो लड़की को कुछ नहीं हुआ, वो चूहा नहीं बच सका। एंड इस घटना पर हॉलीवुड स्टार स्टुअर्ट लिटिल ने अपना शोक प्रस्तुत किया। 2 minutes of silence for Stuart Little का भाई। छोड़ो, 2 मिनट में मेरा एंगेजमेंट चला जाएगा वीडियो का। एक तो मेरे को समझ नहीं रहा है चाइना वालों को आदत क्या है, ऐसे जानवर जिनको लोग हाथ भी ना लगाए तो उनको काटते। ये तो उसने काटा, काट के खा भी सकती थी वो, मैं सरप्राइज भी नहीं होता। वो तो मैं न्यूज कवर भी नहीं करता। खा ली वो तो ठीक है, नॉर्मल है। कोविड को 2 साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं सीखा। डॉक्टर्स की माने तो लड़की अभी स्टेबल है, लड़की को कुछ नहीं हुआ, लेकिन चूहा, चूहा जमा हो गया भाई। तुम सोचते हो कभी चूहे के बारे में? चूहा कहाँ है ये सब ढूंढते, लेकिन चूहा कैसा है ये कोई सोचता है? उसकी लाइफ में कितनी तकलीफ है ये कोई सोचता है? आदमी उसके पीछे भागते हैं, उसके लिए वो सब लगाते हैं पकड़ने के लिए, कभी उसके लिए जहर छोड़ देते चूहे के लिए। समझ रहे हो उसकी जिंदगी? कहीं बिल्ली से लफड़ा हो रहा है रास्ते में, कहीं चीज क्यूब के लिए मर रहा है। चीज क्यूब इंडिया में तो होता भी नहीं, क्या ही करे उस चूहा, कभी गटर में जा रहा है, इसका जिंदगी है कुछ? फिर जब मर मर के उसको सोचते हैं कि कॉलेज के कैंटीन में कुछ खाने मिलेगा, लड़की उसको खा लेती है, क्या ही ये जिंदगी, चूहो वाली जिंदगी। बट आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब। एंड कौन सी न्यूज सबसे फनी लगी मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ। एंड अगर आपके पास भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग सी न्यूज है तो इस ईमेल आईडी पे जरूर भेजना। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट मामा अर्थ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। एंड हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो @MaheshKeshwala, वहां भी बहुत ओरिजिनल कंटेंट डालते, डेली लाइफ की अपडेट डालते, तो वहां पे फॉलो करके रख दो। कोई बोलेगा नहीं थकेश भाई का इंस्टाग्राम ज्यादा इंटरेस्टिंग है यूट्यूब से। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट मामा अर्थ का ओनियन शैम्पू एंड कंडीशनर। अगर बाल गिर रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है तो उसको बचाओ, ये वाले शैम्पू एंड कंडीशनर यूज करो, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बाय। एंड पिछला वीडियो हमने YouTube Rewind 2023 डाला था, तो यहाँ पे टैप करके देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।